सो हाय दोस्तों, आज मैं साझा करने वाला हूँ मैं अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने आज अनुभव किया। मैं आज 5 किलोमीटर की दौड़ जब फाइनल किया तो मुझे थोड़ी सी गलतियाँ का एहसास हुआ कि मैंने आज गलती क्या की है, वो आपके साथ साझा करूँगा। और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि मेरे हर डे की पर डे की जो मेरा अनुभव है रनिंग के हिसाब से, लोग कहते हैं मैं दौड़ नहीं पाता, मेरी भी स्थिति है कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं 5 किलोमीटर की बात के बारे में सोच नहीं पाता था, पर मैंने ये चैलेंज लिया है 45 डे का और इसे मैं फाइनल करूँगा। जिसमें कैसे इसे फाइनल किया जाए और कैसे इस रनिंग इवेंट को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए मैं लगा हूँ और अपने लिए भी, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता, हेल्थ इज़ वेल्थ, हम सभी जानते हैं। सो इसलिए मेरा 92 kg वजन हो गया था जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और सर्वाइवर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले मैं खुद स्वस्थ रहूँ ताकि मैं दूसरे को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा ये टॉपिक है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एक उद्देश्य है कि मैं कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करूँ और आजमगढ़ मैराथन घोष करके लोगों को चलने दौड़ने और रेंगने से बेहतर ढंग से मैं उनको आगे रनिंग इवेंट में आगे उनको ला सकूँ, मेरा ये प्रयास है। और मैं आज चाहता हूँ कि आप मेरे इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और मेरे चैनल पर बने ताकि मैं अपने बारे में के साथ साथ जो मेरा अनुभव है इस इवेंट के बारे में या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 45 डे का चैलेंज लिया हूँ उसको कैसे पूरा करें, और इसके बारे में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। सो मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ आपको कि जैसे हम सभी सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, पर पहला पहला कदम होता है कि आप सोचिए और उसे करना शुरू करिए। मैंने करना शुरू कर दिया है, आज मेरा जो है डे टू है और आप देख रहे हैं मेरे सर पे भी बहुत सारा पसीना है। मैं अभी अपने रूम में आ चुका हूँ। रूम में आने के बाद ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बारे में अपडेट करूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। थोड़ी सी रेडिएशन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि मैं उसके वजह से भूल जाता हूँ, पर मैं साझा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप भी ये ना कहें कि मैं दौड़ नहीं सकता, और मैं दौड़ सकता हूँ तो हर कोई व्यक्ति दौड़ सकता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी जो माइनस पॉइंट थी आज की मेरी, जो मैंने गलती की है, जो आप आने अपने जब रनिंग स्टार्ट करें पहले दिन तो ये गलती कभी ना करें, और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मैं आपको बता दूँ कि हर कोई व्यक्ति जो रन करता है, जो दौड़ता है, वो पहले और दूसरे दिन 5 किलोमीटर की दूरी फाइनल नहीं कर पाता। उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट हो जाता है पहले दिन ही कि 5 किलोमीटर से फिनिश करना है। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल ऐप में एक एडिडास रनिंग ऐप है, उसको मैंने इंस्टॉल किया और पर डे का उसमें मुझे डेटा मिल जाता है कि मैं कितना किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, मेरा पर किलोमीटर का स्पेस क्या है, ये सब मिल जाता है। और दूसरी चीज़ की पहले 5 दिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले 5 दिन अपने पैरों को मजबूती दें और 5 किलोमीटर को फाइनल करें। 5 किलोमीटर कम से कम जितनी फास्ट चल सकते हैं इस हिसाब से आपको चलना चाहिए, इस हिसाब से दौड़ना चाहिए ताकि आपका जो समय है वो कम से कम होता रहे और आपके पैरों में कम से कम 5 से 7 दिन में आपके पैरों में पावर आ जाए ताकि आप दौड़े तो आपके पैर में चिलक जैसी होती है, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है या क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, कभी चला नहीं है, तो आपको चलने में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 5 दिन 5 किलोमीटर या जो भी आप अपनी लेंथ बनाए हैं कि मैं इतनी दूर करूँगा, उस लेंथ को कंटिन्यू 5 किलोमीटर चाहे जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसे कंटिन्यू लगातार ज़्यादा से ज़्यादा तेज चल कर ही फाइनल करिए, ताकि आपके 5 दिनों में आपके पैरों में जो मसल्स हैं वो खुल जाएं और आपकी प्रैक्टिस शुरू हो सके। मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरा दूसरा जो पॉइंट था, मैंने पहला काम किया था कि अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया था, दूसरा काम किया था कि मैं अपनी प्रैक्टिस जो है 5 किलोमीटर की जो है पर डे करने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से करने वाला हूँ ताकि वो पर डे मेरा कुछ समय कम हो, उसके बाद मैं इसकी रनिंग का जो समय है उसे और बढ़ाऊंगा, कम करूंगा और दूरी बढ़ाऊंगा। इस हिसाब से मेरा 10 किलोमीटर का रन जो फाइनल हो पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आज जो गलती की थी वो गलती ये थी कि मैंने सॉक्स नहीं पहने थे। सॉक्स ना पहनने की वजह से मेरी उंगली थोड़ी सी इंजरी आ गई है, पर मैं रनिंग बनने के कारण इंजरी आने की वजह से मैं इसलिए मेरी गलती है कि मैं जल्दी जल्दी से कर मैंने सॉक्स नहीं पहना था। ये मेरी गलती पहली है जो आपको नहीं करनी है, मैंने की है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि रनिंग का मेरा दूसरा दिन है, ये गलती कभी ना करें। थैंक यू सो मच। आज का ज्ञान या कह सकते हैं आपकी सलाह इतनी ही आपके लिए है, और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।